इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है रांची से, जहां आईएएस अधिकारी के एक और आईएएस अधिकारी झारखंड के ईडी के रडार पर आ गए हैं। ईडी लगातार आईएएस अधिकारी छवि रंजन के ठिकानों पर जांच पड़ताल में जुटी हुई है। करीब 22 ठिकानों पर ईडी की टीम ने एक साथ छापा मारा है। बिहार, बंगाल और झारखंड में 22 ठिकानों पर ईडी की रेड पड़ी है। झारखंड में राजधानी रांची और जमशेदपुर में कई ठिकानों पर रेड पड़ी है। इसके अलावा कई और अधिकारी हैं जो वित्तीय अनियमितता के आरोपों का सामना कर रहे हैं। ईडी की कार्रवाई का जायजा लिया हमारे सहयोगी कुमार चंदन ने। हम इस वक्त आईएएस अधिकारी छवि रंजन के आवास के बाहर हैं। ये दरवाजा बंद है और अंदर बड़ी संख्या में सीआरपीएफ के जवान की मौजूदगी में आईएएस अधिकारी रांची के पूर्व उपायुक्त और फिलहाल कल्याण विभाग में जिम्मेदारी निभा रहे आईएएस अधिकारी छवि रंजन के आवास पे और इसके अलावे कुल मिलाकर पूरे झारखंड में अगर कहें तो 22 ठिकानों पे ईडी की रेड चल रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि जमीन की गड़बड़ी से जुड़े मामले को लेकर ईडी की टीम खंगाल रही है। छवि रंजन के साथ साथ कई सीओ के यहाँ भी रेड चल रही है। देखिए, ये पंडित जी अभी अंदर से निकले हैं। पंडित जी, आप अंदर क्या देखा? अंदर देखिए, छवि रंजन जी के यहाँ ईडी जी का छापा पड़ रहा है। कब से यहाँ पे छापा पड़ रहा है? 6:30 बजे से। सुबह 6:30 बजे? हाँ, बोले 6:30 बजे से सुबह से पड़ रहा है। तो और आप जाने की कोशिश किए क्या? हाँ, जाकर किए, बोले कि इधर से मत जाइए। अब देखिए, पंडित जी अंदर से निकले हैं, इस कैंपस में हर दिन पूजा करने के लिए आते हैं और आज पंडित जी को इस कैंपस में आगे जाने से जो अंदर प्रशासन की टीम है, ईडी की टीम है, सीआरपीएफ की टीम है, उन्होंने इन्हें आगे जाने से रोका और कहा कि अंदर ईडी की टीम है, ईडी की रेड चल रही है। तो कहा जा सकता है कि ईडी की कार्रवाई का अगला निशाना आईएएस अधिकारी छवि रंजन हुए हैं। छवि रंजन के घर सहित कुल 22 ठिकानों पर अलग अलग जगहों पर रेड चल रही है और ये जो रेड है वो कहा जा रहा है कि जमीन की गड़बड़ी से जुड़े मामले को ईडी की टीम खंगाल रही है। अपने सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ कुमार चंदन की रिपोर्ट। नियमितता की जांच पड़ताल में ईडी की टीम जुटी हुई है और रडार पर है आईएएस अधिकारी छवि रंजन। सीधे रांची का रुख करते हैं, सहयोगी चंदन से अपडेट जानते हैं। जी चंदन। देखिए, बिल्कुल आज सुबह 6 बजे से ही ईडी की टीम रांची स्थित आईएएस ऑफिसर छवि रंजन के सरकारी आवास के अलावे अलग अलग कुल 22 ठिकानों पर रेड शुरू की है। रांची में मेरे ठीक पीछे आप देखेंगे वो कैंपस दिखेगा, उसके अंदर छवि रंजन का आवास है, सरकारी आवास है। यहाँ ईडी की टीम सुबह से मौजूद है, सीआरपीएफ की मौजूदगी में ईडी की टीम रेड कर रही है। इसके अलावा जमशेदपुर में और रांची में और भी जगहों पर ईडी की रेड हो रही है, जिसमें जो जानकारी मिली है कई सारे सीओ हैं। इसके अलावा जमीन से जुड़े कारोबारी हैं। एक मामला आया था कुछ दिन पहले, याद होगा आपको भी, कि सेना के जमीन से लगभग 4.5 एकड़ से ज़्यादा जमीन जो है उसकी गलत तरीके से खरीद फरोख्त कागज बनाकर किए गए थे और उस मामले में पहले भी ईडी की रेड हुई थी और उसी ईडी की रेड की कार्रवाई का अगला हिस्सा है। आईएएस ऑफिसर छवि रंजन के यहाँ ईडी की आज रेड हुई है। इसके अलावा कई सीओ के यहाँ रेड हो रही है, इसके साथ ही कई जमीन कारोबारी के यहाँ रेड हो रही है। आधिकारिक तौर पर चीजें तब स्पष्ट होंगी जब ईडी की तरफ से कोई प्रेस रिलीज, कोई बयान या कोई ट्वीट आए, लेकिन अंदर खाने सोर्सेज से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 22 जगहों पे एक साथ ईडी की दबिश हुई है आज। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद चंदन तमाम अपडेट्स के लिए। तो 22 जगहों पर एक साथ ईडी की टीम ने छापा मारा है। हम आपको कुछ अलग अलग तस्वीरें दिखाते हैं जहां ईडी की टीम ने दबिश दी है। जांच पड़ताल की जा रही है, जमीन लेन देन संबंधित अनियमितता का यह मामला, जिस मामले की जांच पड़ताल में ईडी की टीम जुटी हुई है। तो आपको हम अलग अलग तस्वीरें दिखाते हैं। 22 ठिकानों पर ईडी की टीम ने एक साथ छापा मारा है। तो ये तीन अलग अलग तस्वीरें, न सिर्फ आईएएस छवि रंजन बल्कि कई सीओ भी ईडी की जांच के दायरे में हैं। एक और जहां राजी में ये ईडी की टीम ने कार्रवाई की है, तो लोंगिया एनक्लेव में जमशेदपुर में ईडी की टीम ने छापा मारा और सिमडेगा में भी ईडी की टीम सीओ भानु प्रसाद के ठिकानों पर छापेमारी में जुटी हुई है। तो लगातार ईडी की टीम कार्रवाई में जुटी हुई है।